हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 19, एक्सरसाइज 19.2। इन दिस एक्सरसाइज वी आल्सो लर्न अबाउट द लीनियर ग्राफ। यहाँ भी हम लीनियर ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे, बट कैसे हम पॉइंट्स को, हमने पहले ही आपको बताया है किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो उसके आगे हमें यहाँ पर और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग इंटीजर्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हम देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है आर रिलेटेड बाई योर इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब वाई की वैल्यू जो है वो एक्स से टू ज़्यादा है, ये क्योंकि एक्स को जब टू प्लस कर रहे हैं तब वाई के बराबर हो रहा है वो, तो वाई की वैल्यू जो है वो टू से ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा। ड्राई इट्स ग्राफ, फॉर्म द ग्राफ, रीड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू एट एंड एक्स व्हेन वाई इक्वल टू एट। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू। अब देखेंगे, अब इफ़ एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई से टू बड़ा है एक्स से, तो यहाँ पर टू हो जाएगी। वन थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव सेवन सिक्स एट सेवन नाइन और एटीन, ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर हमें इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना है जो यहाँ पर हमें फाइंड हुए हैं, जैसे जीरो टू, तो वन थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव सेवन सिक्स एट सेवन नाइन और एट टेन, ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमें पूछ रहा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू एट एन वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर एट है तो वाई की वैल्यू उस समय क्या हो जा रही है, टेन। तो इफ़ एक्स इक्वल टू एट देन वाई इक्वल टू टेन। इफ वाई इक्वल टू एट, अगर वाई की वैल्यू हम एट लेते हैं तो एक्स की वैल्यू उस समय कितनी है, सिक्स हो जा रही है, तो यहाँ पर सिक्स देखेंगे। इफ वाई इक्वल टू एट देन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एट देन एक्स इक्वल टू सिक्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें भी हमें प्लॉट द पॉइंट्स वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स फोर सेवन फाइव एट ऑन द ग्राफ पेपर। राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एज एन इक्वेशन। आपको यहाँ पर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद तो आप देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है, एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू फोर है। यू कैन से दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो इनका जो इक्वेशन बनेगा वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा या एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मेक ए टेबल ऑफ लेंथ ऑफ द साइड एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स पेरीमीटर बाय टेकिंग फोर डिफरेंट लेंथ्स एंड ड्रॉ द साइड पेरीमीटर ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ रीड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसमें हम रिलेशन देखते हैं, अगर आपके साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की वन है तो पेरीमीटर थ्री हो जाएगा, साइड टू है तो सिक्स, आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू साइड इंटू थ्री होता है, थ्री नाइन फोर ट्वेल्व। इसको हम ग्राफ पे बना के रिप्रेजेंट करेंगे, इधर पेरीमीटर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और ये साइड हो जाएगी। अब हमें देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने, तो वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन और आपका आगे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल व्हेन साइड इज 2.5 यूनिट, अगर साइड आपकी 2.5 तो समय पेरीमीटर आपका कितना हो जाए 7.5। अगर पेरी लेंथ ऑफ द साइड व्हेन पेरीमीटर इज 10.5, अगर पेरीमीटर 10.5 है तो उस समय लेंथ कितनी साइड की, वो 3.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन से थ्री तक के सॉल्यूशन दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो और पीडीएफ में हम आपको आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप इसे कॉपी में ग्राफ पेपर के साथ अच्छे से ड्रॉ करेंगे और उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे सारे पॉइंट्स को। हाँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव क्लास में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।